हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्मा गोल बायोलॉजी। और आप आ चुके हैं खतरनाक न्यूज लाइंस ऑफ इंडिया में। खतरनाक है क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो का टाइटल देखिए, आपको पता लग गया होगा कि इस साल 2.6 लाख और ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं हर साल के कंपेरिजन में, यानी कि 2.5 लाख बच्चे और आपके साथ कम्पीट करने वाले हैं टोटल मिला के। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कहता है कि 18 लाख बच्चे इस बार नीट में अपियर करने वाले हैं, यानी कि सपनों को सच करने के लिए अब और मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं, ये हम जाने इस आर्टिकल में। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये 2.5 लाख बच्चे बढ़ कैसे गए। ये बच्चे बढ़ गए क्योंकि एज लिमिट हटा दी है हमारी सरकार ने। तो जैसे ही एज लिमिट हमारी हट गई है, तो उससे क्या हुआ कि जो बच्चे अपना सपना सच करना चाहते थे, वो फिर से इस रेस में आ चुके हैं अपना सच करने के लिए सपना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइएस्ट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र से आते हैं और ज्यादातर लड़कियां हैं जिन्होंने रजिस्टर किया। 10 लाख से ज्यादा लड़कियों ने रजिस्टर किया है। और अगर हम टोटल सीट्स देखें तो 90,000 91,415 MBBS की सीट्स है। आयुष सीट्स है हमारी 50,720 और वहीं पे BDS की है 26,900 के करीब सीट्स। ठीक है, तो मोर ओवर देर इज 274.3% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि पैन इंडिया से बच्चे यहाँ पे देना चाहते हैं पूरा का पूरा नीट का एग्जाम। और इस साल जो दूसरा मेजर चेंज आया था एज लिमिट हटाने के बाद, वो था 3 घंटे 20 मिनट का पेपर, यानी 20 मिनट पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 20 मिनट ज्यादा दिए जा रहे थे एक पेपर को करने के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ था, वही पैटर्न इस साल भी फॉलो होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में आपको आपको सेक्शंस मिले हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आखिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ इंक्रीज होगी? बेटा देखो, पहली चीज अगर मैं बताऊँ कट ऑफ इंक्रीज होगी या नहीं होगी, तो उसको ऐसे देख लेते हैं कि पिछले साल भी 15 लाख बच्चे थे, पेपर लेंदी था, फिर भी बच्चों के 720 आए ना। बच्चे इतने धमाकेदार तरीके से आज की डेट में पढ़ रहे हैं कि जहां पे 720 में से 720 लाना एक अजूबा आता था, अब वो अजूबा एक नहीं बल्कि पांच 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 बच्चे वो अजूबा हासिल कर रहे हैं। तो कंपटीशन नो डाउट इंक्रीज होगा, बहुत ही क्रिंच कंपटीशन स्टार्ट होगा कि आपको हर एक नंबर पे शायद 10-10 रैंक भी मिल सके। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखें कि आखिर किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चा लास्ट मिनट में रिवीजन बहुत अच्छे से करेगा, वही उसके मार्क्स बनेंगे। तो इस टाइम आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, इस टाइम आपको बच्चों अपने पेपर्स PYQ सॉल्व करने चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए। मॉक टेस्ट में मेरे अभ्यास मॉक टेस्ट की इतनी बढ़िया बुक लॉन्च हुई है विच इज ट्रेंडिंग, तो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी चीज की भी हेल्प चाहिए, तो टेलीग्राम मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन कर देना, हम पर्सनली बच्चों को रिप्लाई करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है दे कैन कम्प्लीट। मुझे पता है कि ये बच्चे बड़े जरूर है, बट मेरे बच्चे इस बार जी स्क्वायर आर्मी इज गोइंग टू रॉक। मुझे मेरे बच्चों पे पूरा भरोसा है क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे वो बच्चे हैं जो पूरा दिन लगे रहते हैं मेहनत करने के लिए। मैं सुबह की क्लास लेती हूँ, उसमें भी होते हैं, रात के 10 बजे मैं क्लास लेती हूँ नीट टॉपर्स में, वहां पे भी लाइव होते हैं, रात के 1-1 बजे तक मेरे बच्चे लाइव पढ़ते हैं। मुझे मेरे बच्चों पर भरोसा है, 2.5 लाख बच्चे आए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि जो 90,000 सीट है उसमें एक सीट मेरी है, आपने ये नहीं देखना कि 18 लाख बच्चे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, आपका फोकस क्या है, सिर्फ आपकी वो एक सीट, आपका फोकस वो 18 लाख बच्चे नहीं है जो आपके साथ बैठ के देख रहे हैं। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल दी ना यहाँ पे, उस दिन तुम्हारे लिए एग्जाम करना इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा सोच का खेल है, सारी टेंशन का खेल है, सारा प्रेशर का खेल है। जो नए बच्चे आए हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं, मैं मानती हूँ वो भी अच्छा कर सकते हैं, बट आपको अपने आप को कम नहीं समझना, अपने आप को भी टॉप मोस्ट लेवल पर रखना है क्योंकि यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग गुड, तो ज्वाइन मी, ज्वाइन माई जी स्क्वायर आर्मी, ज्वाइन माई क्लासेस रात के 10 बजे अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे। यस, वहां पे क्रैश कोर्स चल रहा है, ऐसा क्रैश कोर्स विच इज गोइंग टू गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट, क्योंकि एक दिन लेक्चर होता है तो अगले दिन क्या होता है, PYQ डिस्कशन होता है, हर संडे को मेगा टेस्ट होता है। सब चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से जाओ देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग नोटिफिकेशन वीडियो बनाएंगे, आपको डराएंगे, बट आपको डरने का नहीं, आपको डरने का नहीं। ठीक है बच्चों, तो सी यू इन माई क्लासेस 10 o'clock। और अरे 18 लोगों, 28 लाखों, मेरे बच्चे नीट क्लियर करके रहेंगे। ठीक है जी स्क्वायर आर्मी, #दिल से नीट।